प्यारे बच्चों, सर्व समीकरण अध्याय तुसी पढ़ चुके हो, कर चुके हो। असी इसकी दोहराई शुरू करने जा रहे हैं। दोहराई शुरू करने तो पहला मैं तुम्हें समीकरण बारे कुछ दसना चाहना कि समीकरण की होता है। एक समीकरण के विच हमेशा बराबर का निशान होता है। बराबर के निशान का भाव की होता है कि उसके खब्बे पासे एक व्यंजक है और सज्जे पासे एक व्यंजक है। उदाहरण के तौर पर असी कोई व्यंजन ले लें, इस तरीके खब्बे पासे भी एक व्यंजक है और सज्जे पासे भी एक व्यंजक दिता हुआ है और बराबर का निशान दिता है। बराबर के निशान का भाव की है कि खब्बे पासे वाले व्यंजक का मुल और सज्जे पासे वाले व्यंजक का मुल जो है वह हमेशा बराबर होए। इस तो बाद एक और गल असीं देखते हैं, चार एक्स जमा पांच बराबर पैंठ। इस दिखाया गया कि खब्बे पास जो व्यंजक है चार एक्स जमा पांच उसका मुल कि पैंठ के बराबर है। इस तरीके होर भी उदाहरण ले सकते हैं, एम एक्स माइनस सत्त बराबर त्रेठ। इस तुम भाव की है कि तीन एक्स माइनस सत्त का मुल कि त्रेठ सौ दिता गया। तो संखेप रूप में असं कह सकते हैं कि समीकरण जी है वो एक इस तरह की शर्त होती है कि जिस दो व्यंजक बराबर दिते होते हैं और दोनों व्यंजकों का मुल हमेशा बराबर होगा। और एक चीज हो रहेगी कि दोनों व्यंजकों में घट तो घट एक जरा चल होना जरूरी है। हाँ जी, हम इस बाद असं कुछ कथन लेके समीकरण बनाना सीखते हैं कि समीकरण बनती है किस तरीके। जेकर एक लाइन के एक लाइन की सेंटेंस सूँ दिता हो कथन दिता होनू असी समीकरण के रूप में किमें बदल सकते हैं। जो सब तो पहली है वाई के चार गुणा में बारह जोड़न से बत्ती आता है। वाई के चार गुणा विच वाई का चार गुणा मतलब चार गुणा वाई उस बारह जोड़न से कि जोड़ना है असी बारह तो साडा आंसर कि आता बत्ती 32। समीकरण की बनेगी साड़ी चार वाई जमा बारह बराबर बत्ती। साड़ी समीकरण इसे तरीके ना दूसरा अस देखिए एक हो सवाल पी का एक तिहाई छे तो तीन वध है। ध्यान ना देखिए कि पी का एक तिहाई, एक तिहाई मतलब तीजा हिस्सा एक बड़ा तीन गुणा पी। पी का एक तिहाई कितने बराबर है छे तो तीन वध यानी कि छे छे तो तीन वध छे दे विच असीं तीन जोड़ देते हैं। पी का तीसरा हिस्सा कितने बराबर है छे तो तीन वध यानी कि छे दे विच जदों असीं तीन जोड़ते हैं तो सानू कितना मिलता है पी का तीजा हिस्सा एक बनेगा पी बटा तीन बराबर नौ। यह साड़ी दूसरी समीकरण कोई जिस तो बाद अगे असं इस तो अगला सवाल देखते हैं अगली समीकरण बनाने किसी संख्या के चार गुणा में सत्त घटाउण नाल पांच प्राप्त होंगे। हाँ जी, पहला तो हम साढ़े को संख्या नहीं मिली कोई असं की करांगे मान लो संख्या बराबर एक्स वाई जेड ए बी सी कोई भी असं मान सकते हैं। असं संख्या कि मान ली एक्स
संख्या के चार गुणा यानी कि एक्स का चार गुणा, संख्या का चार गुणा कितना हो गया, चार गुणा एक्स यानी कि चार एक्स हो गया। उसके बीच सात घटा होंगे प्रश्न साहब की बन गई समीकरण किस तरह बनेगी, जिहड़ा चार एक्स आया साढ़े को सात माइनस कर दिता तो आंसर कितना आया साढ़े को पांच। किसी संख्या के चार गुणा सत्त घटाते साढ़े को कितना आता है पांच आता है और यही सा समीकरण बनता। इसी तरीके एक और सवाल देखिए, किसी संख्या के एक चौथाई विच सत जोड़न नाल छे प्राप्त होंगे, सेम उसे तरीके मान लो संख्या बराबर p मान लेते हैं कोई भी अक्षर ले सकते हैं कोई भी संख्या दे एक चौथाई, एक चौथाई का भाव कितना होता है चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा मतलब एक का चौथा यानी कि एक बटा चार। साढ़े को प्रश्न के हिसाब से देखिए कि बनेगा एक बटा चार संख्या का गुणा p, उसने कितना जोड़ना है सी सब सात जोड़िया आंसर कितना आया साढ़े को बराबर छे, यानी कि अस कह सकते हैं p बटा चार जमा सत्त बराबर छे, ये साड़ी समीकरण हो गया। हाँ तो बच्चे हम असी कथन सानू दिता सी असी समीकरण बनानी सीखी कुछ उदाहरण लगे होंगे हम असी इस उल्ट चलते हैं, जेकर सानू समीकरण दी गई हो गई और उस समीकरण तो असी कथन बनाना हो गई तो वह किस तरीके बनावा। पहली गल देखिए वाई जमा छे बराबर बारह, असी सारे सवाल लिख लेते हैं, सत एन जमा तीन बराबर दस, तीजा भाग देखिए एक्स बटा चार जमा दो बराबर छे, और चौथा सवाल देखिए छे एक्स बराबर अठारह। चार सवाल बड़े साढ़े को रह गए हैं, इन्हों चार सवालों को असं हम की करना है समीकरण साढ़े को दिती हुई है असी कथन बनाना है किवें असी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सब तो पहले सवाल की गल करिए कि वाई जमा छे बराबर बारह, कि वाई के विच असी की कीता छे जोड़िया तो उत्तर कितना आया बारह, असं की लिखांगे ना वाई विच छे जोड़न पे बारह प्राप्त होता है, ठीक है जी। इसे तरह सेकंड देखिए दूसरा पार्ट कि सत एन जमा तीन बराबर दस, की किया गया इतने एन नू सत दे नाल गुणा किया और फिर उस दे विच तीन नू असी जोड़िया, जोड़न तो बाद कितना आया साढ़े को दस, तो असी की करांगे इस नू एन नू सत नाल गुणा करन उपरंत, हाँ जी एन नू सत नाल गुणा करन उपरंत की किया सी तीन जोड़िया, तीन जोड़िए तां किन्ना आंसर मिलता सानू दस, तां दस मिलता। बड़ी सिंपल जी गल है कि जो चीज़ सानू समीकरण दे विच दित्ती हुई है असी सिंपली उस चीज़ नू एक्सप्लेन करना है कि उहदे विच दित्ता की गया सी। अगला भाग देखिए तीसरा एक्स बटा चार जमा दो बराबर छे, एक्स बटा चार जमा दो बराबर छे कि एक्स का चौथा हिस्सा या असी कह सकते हैं एक चौथाई, उस दे विच दो जोड़िए
साढ़े को किना आंसर आता है छे। असी की लिखांगे एक्स दी एक चौथाई विच किना जोड़ना है जी दो जोड़न से छे प्राप्त हुंदा है। ये साढ़े को तीसरा तीसरी स्टेटमेंट है। चौथी स्टेटमेंट देखिए कि 6x बराबर 28 कि 6x का मतलब x नो सी 6 दे नाल गुणा कीता तो साढ़े को किना आंसर आया 28 18। तो इस नो सी की लिखांगे x दा 6 गुणा 28 दे बराबर है। सिंपल जी स्टेटमेंट है, सिंपल जी गल है, पर बड़े इजी वे दे नाल सी इस तरीके नाल किसी भी समीकरण उसके कथन के रूप में बदल सकते। हाँ जी बेटा, हम असी कुछ इस तो अगे सवाल देखते हैं जिन्हों में एक स्टेटमेंट दिखी गई है और असी उसकी समीकरण बना देंगे। थोड़ा जहा ध्यान नाल समझने वाली और देखने वाली गल है, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट नहीं है। पहला सवाल देखिए असी एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र तो पुत्र की उम्र के 4 गुणा तो 300 घट है। जेकर व्यक्ति की उम्र 33 साल हो गई तो पुत्र की उम्र पता करने लई समीकरण बनाओ। देखो सवाल वही चीज है जो पीछे अस करके आए हैं, बनानी सी समीकरण ही है, पर साढ़े को सवाल जोड़ा है वो थोड़ा जहा डिफरेंट वे आ गया, वक्रे तरीके हम अस देखिए कि व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 4 गुणा तो 3 साल घट है, पर आप व्यक्ति की उम्र कितनी दी है 33 साल, पुत्र की उम्र असं पता करनी है जिदे वास्ते असी समीकरण बनानी है। असी की करांगे इत्थे मान लो पुत्र की उम्र बराबर एक्स, पुत्र की उम्र कितनी होगी एक्स। सवाल देखो व्यक्ति की उम्र यानी उसके पिता की उम्र कितनी है, पुत्र की उम्र का 4 गुणा और उस तो 3 साल घट। प्रश्न के अनुसार व्यक्ति की उम्र बराबर कितनी, देखो ध्यान रख पुत्र की उम्र के 4 गुणा यानी कि 4 गुणा एक्स, एक्स आ ना पुत्र की उम्र उसका 4 गुणा उस तो 3 साल घट, घट तो पाओ की असं माइनस करांगे या प्लस करांगे, की करांगे असं माइनस, क्योंकि असं घट की गल कर रहे हैं। ये कि आ गया 4x माइनस 3, परंतु दूजी स्टेटमेंट की दी कि व्यक्ति की उम्र कितनी है 33 साल। प्रश्न तो असं की कह सकते हैं कि 4x माइनस 33 जितने जी असी व्यक्ति की उम्र कटी है प्रश्न के अनुसार वो कि बराबर है 33 साल। इन्हों तो असी एक्स की कीमत पता कर सकते हैं, हल करा तो अगर देखा सवालों को अभी फिलहाल जी अभी समीकरण बनानी सी वो समीकरण साड़ी की बनती 4x माइनस 3 बराबर 3। हाँ जी बच्चों इस तरह की एक होर असी उदाहरण लेके चलते हैं कि समीकरण बनाने वास्ते सानू जो मर्जी दिता हो, जिस तरह की मर्जी सिचुएशन दी हो, कंडीशन दी हो, उस कंडीशन के नाल
ऑफ द कापियां दे पैकेट बना के बेचता ये पैकेट छोटे अते बड़े यानी कि छोटे पैकेट में और बड़े पैकेट में भी सब बड़े पैकेट में चार छोटे पैकेट दिया कापियां अते तीन खुलियां कापियां यानी कि वड्डे पैटर्न भी है ने छोटे भी है ने साडे को वड्डे पैटर्न विच की आंदा है कि जेडे छोटे पैटर्न दी एक पैटर्न विच जिन्नी कापियां ने ओ जे चार छोटे पैटर्न असि रख देने हैं वड्डे पैटर्न विच और नाल तीन खुलियां कापियां तो एक वड्डा पैटर्न साडे को बन के तैयार हो जाएगा। अगे साडा प्रश्न की है कि हर छोटे पैकेट विच कापियां दी संख्या दसन वाला एक समीकरण है अते दिता है कि वड़े पैकेट विच 33 कापी हाँ जी हम ध्यान ना देखिए इस सवाल को दोबारा कि एक दुकानदार कापियां बेचता है छोटे और वड़े पैकेट बना के छोटे पैकेट जड़े ने वो वखरे ने और वड्डे पैकेट दे विच की हैगा चार छोटे पैकेट और तीन खुलियां कापियां चार छोटे पैकेट और तीन खुलियां कापियां असी की करना है कि छोटे पैकेट विच कापियां दी गिनती दसन वास्ते एक समीकरण बनाना है असी सिर्फ समीकरण बनाना है और ये भी दिता गया है कि वड्डे पैकेट विच कुल किनियां 33 कापियां हां हां जी सब तो पहला असी छोटे कापे पैकेट विच कापियां दी संख्या असी पता करनी है असी की करांगे मान लो छोटे पैकेट विच कापियां दी संख्या बराबर x छोटे पैकेट विच कितनी कापियां हैं x कापियां हैं सब कुल चार पैकेट आते हैं बड़े विच छोटे पर चार पैकेट विच कितनी कापियां होंगी या असी सिंपली सीधा कर लेने हैं प्रश्न अनुसार हाँ जी बड़े पैकेट विच कापियां दी संख्या कितनी कापियां होंगी ने चार छोटे पैकेट दी कापियां छोटे पैकेट च कितनी कापियां ने x और चार पैकेट च कितनी होंगी चार गुणा x अते तीन खुलियां जमा तीन कापियां हो यानी कि की बन गया साडे को 4x जमा 3 परंतु क्वेश्चन में एक लाइन फिर से और देती हुई है कि बड़े पैकेट विच कुल कितनी कापियां ने 33 कापियां यानी कि आ जेडी ये कापियां आई ने कितने बराबर ने 4x जमा 3 बराबर कितने है 33 ये साड़ी जो कीमत है समीकरण जिस दे नाल असी आगे कीमत पता कर सकते बच्चों इस तो अगे साड़ी को कुछ सवाल इस तरह ने समीकरण सम दिखी हुई है वो समीकरण का एक हल भी दिता हुआ है असी ये चेक करना है कि वो हल वो समीकरण का संगत हल है या नहीं है उदाहरण के तौर पे असी पहली एग्जांपल लेंगे 4p - 3 =
16 और पी का मुल दिता हो असी यह देखना है कि यह पांच पी का जो मुल है वह इस समीकरण का हल है ज नहीं उन्हें वास्ते अं करेंगे पहला भी गल की समीकरण की होंगी है खब्बा पासा और सज्जा पासा और दोनों की कीमत की होंगी हमेशा बराबर होती है असं की करा खब्बा पासा लवेंगे खब्बा पासा लेके चार पी माइनस तीन उस पी की कीमत जी है असी रखा चार पांच भी माइनस तीन बराबर कि आ गया सत्त हम असं देख रहे हैं कि यह सतारा जो है आंसर आया साढ़े को यह सज्जे पासे के बराबर नहीं होगा तो असं की कह सकते हैं ये चीज जी है वह बराबर नहीं है सज्जा पास जेकर खब्बे और सज्जे पासे बराबर नहीं है तो वह जरा हल है जो कीमत दी हुई है पी की वह उसका हल नहीं हो सकती असं की लिखा पी बराबर पांच समीकरण चार पी माइनस तीन बराबर सोलह का हल नहीं है इसी तरीके असं देखिए एक होर गल देखते हैं छे एक्स माइनस सत्त बराबर ग्यारह और एक्स की कीमत दी हुई है तीन सेम उसी प्रोसैस कि असं खब्बा पासा ले लेंगे छेक्स माइनस सत्त छेक्स का मतलब छे गुणा एक्स एक्स की कीमत कितनी है तीन छे की है अठारह माइनस सत्त बराबर कितना आ गया ग्यारह और ग्यारह साढ़ा की है सज्जा पासा असं की लिखा किसके बराबर है यानी कि खब्बा पासा और सज्जा पासा दोनों की हो गए बराबर हो जाएंगे इतने से लिखांगे हाँ एक्स माइनस तीन समीकरण छे एक्स माइनस सत्त बराबर ग्यारह हल इस तरीके जिन्हें भी सवाल साढ़े को होंगे जिन्हें कोई हल दिता होगा समीकरण का असी वो कीमत उन्हें भर के असं चेक कर सकते हैं कि दिता हुआ जरा कीमत जी दी हुई है उसका इस अध्याय समीकरण हल करना सीखा कि समीकरण को हल करके दिते हुए चल का उत्तर किए कटाया जा सकता उसका रूप किए पता किया जा सकता सब तो पहले असी उदाहरण लेने चार जमा तीन बराबर सताई असी सब तो पहला की करेंगे कि जी चल वाली रकम है उसको एक पास रखा और बिना चल वाली रकमों दूजे पास असी लैके जाएंगे उसके वास्ते की करेंगे असं देखते हैं कि चल वाली जी रकम है चार है उस किया हो तीन जोड़िया असं की करा दोहां पासे तीन घटाउन उपरंत कि जो असं दोहां पासे तीन घटा दें ही बनता इधर भी तीन माइनस करता उधर भी तीन घटाता इधर तीन खत्म हो गया इतनी की रह गया चार एन बराबर सताई तीन गए हम असी की करना एन की कीमत पता करनी है तो एन के नाल जी संख्या गुणा के उसनों भी खत्म करना है गुणा की जी संख्या उसको खत्म करने वास्ते असं की करते हैं कि जिनी संख्या गुणा के उस संख्या के नाल दोहां पासे भाग कर देने दोहां पासे चार नाल भाग कर उपरंत चार एन बटा चार बराबर चौबी बटा चार चार हम चार कटे जाएंगे इधर असं की करेंगे चार ना जो भाग करते हैं तो छे चौका चौबी एन बराबर कि आ गया छे यही आंसर हो अज इस बाद असं एक अगला उदाहरण देखते हैं खोज सवाल देखते हैं तीन पी माइनस दो बराबर वाई देखो चल वाली रकम जी तीन पी इस की दो घटाओ किया हो असं इस खत्म करने वास्ते की करा दोहां पासे दो जोड़ दे हाँ जी दोनों पास जो असं दो जोड़ लिया
की बनेगा? दो से दो कटे गए, बाई और दो चौबीस हो सके। हम असं पी का मुल पता करना है, असं की करा पी के कितनी संख्या गुणा के तीन, उस संख्या को खत्म कर लिए असं की करा तीन के नाल दो पासे भाग करा। दोहे तीन भाग कर तीन पी बटा तीन बराबर चौबी बटा तीन, तीनों तीन कटे गए, तीन एकम तीन अठो तीया चौबी, पी बराबर कि आ गया यही सदा आंसर हो गया। इसको अगे एक होर उदाहरण देखिए असी समीकरण हल करने की, पांच एम जमा सत बराबर सात। देखो इस सू चल के दिता एम, पांच एम के कि जुड़िया हुआ सत, असं की करा सत को खत्म करने लिए दोवे पासे सत घटा देते पांच एम जमा सत माइनस सत बराबर सतारा माइनस सत, सत और सत कटे गए, पांच एम बराबर सतारा में सत घटाए कि रह गया दस, और उस तो बाद एम जरा चल दिता उन्हें की हो गया पांच गुणा के उसको खत्म करने लिए असं की करा दोहां पासे पांच नाल भाग कर पांच बटा पांच बराबर दस बटा पांच नाल पांच कटाया गया पांच एक पांच पांच उन्नी दस, असं कह सकते हैं एम बराबर कि आ गया दो, और यही सारा आंसर से जरा असं करना। इस उदाहरण देखिए छे वाई बटा पांच बराबर बारह। देखो ध्यान रखो साढ़े को की है चार वाली संख्या मिली है छे वाई, उसने बटा के उसने पांच ने भाग किया हो तो भाग वाली रकम खत्म करने लिए असं की करा दोहां पासे पांच दे नाल गुणा गुणा करन दे छे वाई बटा पांच गुणा पांच बराबर बारह गुणा पांच, पांच दे पांच अगे जाके छे वाई बराबर बारह पंजा सठ आ गया साढ़े बारह में असं पांच गुणा करा। इस तरीके हम देखिए इधर की है छे वाई यानी कि वाई छे गुणा वाई असं की करा दोहां पासे छे नाल भाग करांगे छे वाई बटा छे बराबर सठ बटा छे, छे नाल छे कटिया गया और छे नाल सठ होता है सानू पता है वाई बराबर दस जरा जो सा चल जाएगा उसका उत्तर। प्यारे बच्चों अज के इस वीडियो असी समीकरण बारे समीकरण की होंगी है समीकरण किवें बनती है किसी कथन राही समीकरण किवें बनाया जाता है और उस तो बाद दिता हुआ जेकर कोई हल हो कि उस समीकरण का हल है उसका पता करना समीकरण हल करना आदि ये सारिया चीज़ा असी कुछ उदाहरण लेके सीखिया हैं और दोहराई की है। उम्मीद है तुसी इन्हां सवालों की मदद नाल अभ्यास के होर भी सवाल हल वधिया तरीके नाल कर सको। थैंक यू।